नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त चंदन भगत और आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। वो जानकारी क्या होगी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक नल दिखा रहा हूँ, जिस नल में मैं आपको वॉशिंग मशीन का एडाप्टर फिट करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप वॉशिंग मशीन का एडाप्टर फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का नल है, कृपया आप लोग प्लास्टिक के नल पर ट्राई मत करें और प्लास्टिक के नल पर फिट ना करें, नहीं तो नल ख़राब हो जाएगा, नल डैमेज हो जाएगी, जिसके रिजल्ट से आपका पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी। तो मैं पानी का कम से कम वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसके रिजल्ट से आपको जल्द से जल्द नॉलेज भी हो जाए और पानी का वेस्टेज भी कम से कम हो। तो मेरे पास एक एडेप्टर है, ये एडेप्टर है, ये ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में एक ही तरह की एडेप्टर आती है एंड कुछ कुछ वॉशिंग मशीन में अलग तरीके की आती है, लेकिन दोनों का मैकेनिज़्म सेम होता है। तो ये आप एडेप्टर देख सकते हैं, शायद आपको दिख रही होगी एडेप्टर। तो ये एडेप्टर 4 स्क्रूज होते हैं, नीचे की तरफ में एक ऐसी गोल करके एक ये होती है, एक कट बनी होती है एंड ये स्क्रूज टाइप होती है। यहाँ पर ये थ्रेडिंग्स होती है जिसमें ये थ्रेड्स लगती है और इसके अंदर में एक वॉशर होती है। बहुत बार वॉशर के साथ में एक प्लास्टिक स्ट्रिप्स भी दी जाती है, वो एक्चुअली प्लास्टिक का जो एक छोटा सा कट बना होता है वो एक्चुअली नल के साइज को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वो नल का साइज से ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अगर नल का साइज थोड़ा बड़ा हो, नल का मुँह थोड़ा बड़ा हो, तो उस प्लास्टिक के आप जो भी उसे बोल सकते हैं उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें 4 स्क्रू है। अब यहाँ ज़्यादातर नल वॉल के बगल में ही होती है, तो हम बैक के पीछे की तरफ से हम स्क्रूज को टाइट नहीं कर सकते थे, जिसके रीजन से पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसा हमें थोड़ा सा ओपन करके थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको यहाँ अच्छी तरीके से दिख रही होगी तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए आप, मैंने 2 स्क्रू को कम कम करके थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के खोल लिया और बाकी 2 स्क्रू को मैं वापस से इसे लगभग ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे खोल सको। तो मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये मैंने क्या किया, 4 स्क्रू को लगभग एक बराबर मैंने खोल लिया। यहाँ आपको दिख रही होगी कि 4 स्क्रू को मैंने लगभग एक बराबर खोल लिया। अब क्या कर रहा है, इस स्क्रू को ऐसे करके ऐसे फिट करना है। तो अगर वो फिट अंदर नहीं जा रही है, यानी कि मेरा स्क्रू और खुलने वाला, तो मैं इसे और खोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं और इसे खोल दिया, और खोल दिया मैंने, ताकि वो नल में बहुत आराम से चले जाए और अच्छी तरह से उसकी पकड़ बन सके। तो यहाँ पर मैंने स्क्रूज को और खोल दिया। लेकिन हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, क्या प्लास्टिक के नल पर ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये स्क्रू को टाइट करने में प्लास्टिक का नल होल भी हो सकता है, मुझे एक्सपीरियंस है, जिसके रीज़न से मैं इस नल पर कर सकता हूँ, ताकि प्लास्टिक के नल को भी डैमेज ना हो और हमारा अडेप्टर भी सही तरीके से लग जाए। तो शुरू करते हैं अब। तो सबसे फर्स्ट मैंने 4 स्क्रू को ढीला कर लिया है और नल को अब मैं इसमें फिट कर, नल को अब इसमें मैं डाल दूंगा। तो ये अब नल को डालता हूँ मैं, ये नल आराम से चला गया। तो नल डालने से पहले यहाँ क्या करना है, इस थ्रेड को, अगर आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से, तो इस थ्रेड को अच्छी तरीके से पूरा बाहर निकाल दीजिए। यहाँ वॉशर लगी हुई है, इसमें 2 से 3 बार आप मात्र घुमा दीजिए, उससे ज़्यादा ना घुमाएं, ताकि ये नल को फिट करने में इसी का ही सबसे बड़ा योगदान होता। तो मैंने 2-3 थ्रेड उसे घुमा दिया। अब मैं इसे नल को फिट करता हूँ। तो मैंने नल में लगाया, बैक साइड में मैं टाइट नहीं कर सकता हूँ, तो जिसके वजह से मैंने 3 स्क्रू को सामने ही की तरफ रखा। बहुत बार जगह हो जाती है कि 2 स्क्रू बैक साइड में होते, तो उससे भी कोई फर्क नहीं है। अगर 2 स्क्रू बैक साइड में एक लिमिट जगह पर है, तो सामने वाले दोनों को टाइट करने पर ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाती है। रीजन से कि ये अगर पकड़ लेगी तो ये जितना पीछे ये पुश कर रही है, तो वो उतना पीछे नल जाएगी और वो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं इसे टाइट करता हूँ, मैं बहुत आराम से करूँगा, ताकि मुझे प्लास्टिक के नल का भी ध्यान रखना है, ताकि नल को भी कोई डैमेज ना हो और हमारा एडेप्टर भी सही तरीके से लग जाए। तो ये मैंने इस 2 स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। मैं ज़्यादा टाइट नहीं कर रहा हूँ, ताकि मेरा एडेप्टर से नल को कोई नुकसान ना हो। तो मैंने एडेप्टर को टाइट कर दिया। अब ये एडेप्टर टाइट होने के बाद में अभी भी ये अच्छे तरीके से एडेप्टर लगी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस नीचे वाले ब्लू वाले
थ्रेडिंग को अब धीरे धीरे एडेप्टर को पकड़ करके घुमानी है, ताकि वॉशर जो नीचे की तरफ हवा में था वो अब मशीन नल के मुंह पर चिपक जाए अच्छी तरीके से और एयर पैकिंग हो जाए, जिसके रीजन से वहां पर थोड़ी भी हवा जाने का जगह ना बचे। और अगर वहां हवा जाने की जगह बचती है तो वहां से लीकेज होता है, अगर हवा जाने की जगह नहीं बचेगी तो लीकेज नहीं होगा। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से पैक कर चुका हूँ, अब आपको दिखाता हूँ मैं नॉर्मली यहाँ से पानी गिर रही है, लेकिन अगर मैं इस मुंह को बंद करके और अगर अब मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ तो अब आप देख सकते कि यहाँ पर थोड़ी भी लीकेज यहाँ से आपको नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप घर पर भी एडेप्टर फिट कर सकते हैं। अगर आपके घर में नई वॉशिंग मशीन आई है, अगर आपका एडेप्टर खराब हो चुका है, तो एडेप्टर खराब हो जाने के बाद में ये नहीं हो सकती है, तो अच्छे एडेप्टर के साथ ही आप ट्राई करें और आप नलका को भी इस तरीके से कर सकते हैं घर बैठे ही। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अच्छी लगी हो तो अच्छे तरीके से हमें भी ट्रीटमेंट दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ हो सके। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती हो तो पहले हमें ही घर वालों को देखना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तब तक हम आपके साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के, वॉशिंग मशीन के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।